लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र में बाढ़ से मची तबाही से परेशान नागरिकों के लिए आज मदद का एक हाथ बढ़ाते हुए लोक नेता विधायक गणेश नाइक ने नवीमुंबई से दर्जन भर ट्रकों को झंडा दिखाकर रवाना किया। लोक नेता गणेश नाइक ने कहा कि युवा नेता संदीप नाइक ने अपने जन्मदिन पर बाढ़ पीड़ितों को मदद का आह्वान किया था, इसे मान देते हुए नवीमुंबई के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने इलाके से हर राहत सामग्री इकट्ठा की जो चिपलून के लिए भेजी जा रही है। गणेश नाइक ने कहा कि पीड़ित लोगों को राहत देने का यह सराहनीय कदम है। इस अवसर पर पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर सागर नाइक और वरिष्ठ नेता आनंद सुतार समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ और बारिश की तबाही से बेहाल राज्य के पीड़ित लोगों को मदद का हाथ बढ़ाते हुए आज लोक नेता विधायक गणेश नाइक ने नवीमुंबई से राहत सामग्री से भरे दर्जनों ट्रकों को झंडा दिखाकर रवाना किया। इन ट्रकों में खाद्यान्न, पानी, कपड़े और जीवन आवश्यक वस्तुएं लदी हैं जिन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए चिपलून और आसपास के जिलों में ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने की तैयारी है। इन ट्रकों को रवाना करते हुए बीजेपी नेता गणेश नाइक ने कहा कि युवा नेता संदीप नाइक ने अपने जन्मदिन पर बाढ़ पीड़ितों को मदद का आह्वान किया था, इसे मान देते हुए नवीमुंबई के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने इलाके से राहत सामग्री इकट्ठा कर बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का बड़ा हाथ बढ़ाया है जो सराहनीय है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। संदीप नाइक ने तो लोग कार्यकर्ताओं से अपील किया कि मेरे जन्मदिन में बैनर और कुछ ऐसा जिसमें से कोई उपलब्धि नहीं होगी ऐसी चीज़ मत करो, हो सके तो जो पुरग्रस्त लोग हैं इनको मदद करो। और उनके अपील को समझते हुए भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ताओं ने ऐरोली विभाग से, खैरना बनकड़ा विभाग से, करावा सीवुड विभाग से और वाशी विभाग से कार्यकर्ताओं ने अपने भावना को यहाँ पे प्रदर्शित करते हुए वो लोगों को मदद करने के लिए वो लोग खुद टेम्पो लेके जा रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की सख्त ज़रूरत है, ऐसे जहाँ पे संकट में जो लोग फंसे हुए हैं, दुखी है, उनके आंसू पोंछने का काम करने की ज़रूरत है और वो कर रहे हैं। इसलिए ऐसे युवक कार्यकर्ताओं के प्रति मेरे मन में तो अपनेपन की भावना तो और प्यार और बढ़ रहा है और ऐसे ही जोश में समाज के लिए काम करे ऐसी मेरी उम्मीद है। इस अवसर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाले पूर्व नगर सेवकों ने कहा कि युवा नेता संदीप नाइक ने अपने जन्मदिन पर दिखावा करने की बजाय लोक सेवा करने का संदेश दिया था, उसको सार्थक करते हुए यह राहत सामग्री जमा की गई ताकि बाढ़ से पीड़ित लोगों को कुछ राहत दिलाई जा सके। लोक प्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा वह भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे क्षतिग्रस्त हुआ है बारिश के वजह से और यह हमारे बांधों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कोकणवासी या महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी आज पूर है, हम उनको ये हमारे तरफ से, हमारे प्रवाह के नागरिक के तरफ से हम लोग छोटी सी मदद उनको कर्तव्य के तरफ से भेज रहे हैं। एक तो पूरग्रस्तों को मदद करना है, दूसरे हमारे जो आमदार है संदीप जी नाइक साहब, इन्होंने भी कहा कि उनका जन्मदिन आ रहा है, उन्होंने कहा कि हमारे जन्मदिन पर पूरग्रस्तों को मदद करो। तो ये दोनों हम लोग कार्य में उस काम भाग लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो आज बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, यहाँ पे जहाँ पे कितनी भी मत करें उतना कम है, मगर हम हमारी तरफ से, हमारे प्रभाग की तरफ से, हमारे नगर सेवक प्रकाश मौर्य और हम लोग सब मिलके अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट देने के प्रयत्न कर रहे हैं। हर साल उनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ भी बधाई या पुष्पगुच्छ या अनाप शनाप खर्च करने से बजाय अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए, वही उसी सिक्के दौरान हम लोग ये मदद कर रहे हैं। आदरणीय गणेश जी नाइक साहेब, भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई यांच्या माध्यमातून
जे ऐरोलीचे प्रथम आमदार आहेत संदीपजी नाईक साहेब यांचा वाढदिवस जे त्यांनी आवाहन केला होता की होर्डिंग्स लावू नका, लोक उपयोगी जे काम आहे ते करा, आणि त्यांनी आवाहन असाही केलं होतं की जे पूरग्रस्त आहेत त्यांना माझ्या जे वाढदिवसानिमित्त ती मदत कराल तर ते खूप मला त्याचा आनंद होईल. त्यांच्या जे आवाहनानुसार आम्ही प्रभाग क्रमांक आमचे जे तीन प्रभाग आहेत खेरनेगाव बोनकोडे गाव तसेच सेक्टर 11 फॅम सोसायटी तिन्ही प्रभाग मिळून आज आम्ही या ठिकाणी आमच्या ऐरोली भागातून सर्वच कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला आणि एकूण 18 प्रकारचं साहित्य कोल्हापूर महाड आणि चिपलूण अशा ठिकाणी पाठवलेलं आहे. प्रत्येक ठिकाणी 200 घरांचं किट आम्ही बनवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये चटईपासून ब्लँकेट चादर तर शेवटच्या म्हणजे तुम्हाला टूथपेस्ट टूथब्रश मेणबत्तीने आग लावण्याचे सामान माचीससुद्धा आणि त्याच्यामध्ये ताट त्याच्या दोन केले चार वाट्या बिस्किट अशा पाणी पाण्याचे 100 बॉक्स आम्ही प्रत्येक ठिकाणी पाठवलेले आहेत. असे 18 साहित्य आम्ही पाठवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि या माध्यमातून मी एवढं सांगू शकतो की संदीप नाईक साहेबांनी हे आव्हान केल्यामुळं कार्यकर्त्यांना एक एनर्जी आली. मी परमेश्वराला प्रार्थना करी आमच्या नेत्याला आमच्या संदीप नाईक साहेबांना चांगलं आरोग्य देव आणि पुढील जनतेची सेवा करण्यासाठी चांगलं सशक्त त्यांना ते राहोत अशा प्रकारची विनंती करतो आणि आमच्या मुंबईच्या तमाम कार्यकर्त्यांच्या वतीनं त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.